खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 6 टीमों का चयन किया जाएगा। इन टीमों से जिला स्तर की टीम का चुनाव होगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए खेल अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री खेल प्रतियोगिता कब का आयोजन है, 21 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किया गया था। हर ब्लॉक से लगभग 125 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। इसमें 6 गेम शामिल किए गए थे, जिसमें एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और खो खो खेल शामिल थे। जिनके आयोजन किए गए हैं, इनमें से एक सशक्त टीम का गठन किया जाएगा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं खेल अधिकारी ने क्या जानकारी दी है। सर, आज यहाँ खेल का आयोजन किया गया, किस तरह का खेल है, ये क्या उद्देश्य है इसका? ये मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता का आयोजन है। मध्य प्रदेश शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 21 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य ये, इसको हमने ब्लॉक लेवल पे टैलेंट सर्च किया था, वहाँ आयोजन किया था। वहाँ से हर ब्लॉक से लगभग 125 खिलाड़ी टैलेंट सर्च होके जिला स्तर की प्रतियोगिता में आज शामिल हुए हैं। इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया है। एथलेटिक्स है, कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, खो खो है। इन खेलों में हम इनके मैचेस करा रहे हैं, इनका टैलेंट सर्च कर रहे हैं और एक टीम, सशक्त टीम का गठन कर रहे हैं। 6 टीम हमारी बनेगी और उसके बाद में हम संभाग और राज्य स्तर पे जिला रीवा को शामिल कराएंगे। कहाँ कहाँ बच्चे आए हुए हैं? पूरे ब्लॉक के, आपके 9 ब्लॉक जो हैं रीवा में, सभी ब्लॉक से टीमें आई हुई हैं। कब से सर चल रहा पूरा कार्यक्रम? ये आज शुभारम्भ हुआ है माननीय पूर्व मंत्री और विधायक रीवा के राजन शुक्ल जी द्वारा, और जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया यहाँ पे आई थी और सभी गणमान्य और वरिष्ठ खिलाड़ी को मत किया गया है। और शाम को लगभग हमारा 4:30-5 बजे के आसपास इसका टूर्नामेंट्स हो जाएंगे, मैचेस हो जाएंगे, तो इनका पुरस्कार वितरण भी आज ही माननीय सांसद महोदय द्वारा कर दिया जाएगा। अरे काशिम भाई नमस्कार। भाई नहीं भाई, वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं फिलहाल, ऐसे ना तो क्या सब कुछ है, वो है तो सर हम लोग का भी लेट मैच कर रहे हैं। कुछ खाए हो?